तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। निशा अमृत, हम SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। हम आपको कोर्ट ले जाने आए हैं। जी। अच्छा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा। क्या? चिदावाय बोले एकदम झगास। चिता भाई बकोना है यार, बकोना तू। हाँ। यार ऐसा कोई अपराध बताओ जिसको करने से कम से कम 5 दिन जेल में रहना पड़े। क्या करना है तुमको जानकर? अपराध करना है हमको भी। अरे यार क्या हो गया तुम लोग, क्या हो गया? सुबह में भांग वांग सुल्फा उल्फा खा लियो तुम लोग, काहे से बकैती करो? क्या करोगे जेल के अंदर जाकर? ये देखो क्या है। क्या है? बिल्लू का लेटर। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अगर हमको चोर एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो कम से कम 5 दिन जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे माई बाप, तुम लोग को काहे के लिए बनना है चोर एसोसिएशन का मेंबर? अगर हम चोर एसोसिएशन के मेंबर बन गए तो देश के 300 जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट, समझा क्या? और इतना ही नहीं, साल में 2 बार स्विट्जरलैंड की जेलों का हॉलिडे पैकेज फ्री। क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग सच बोल रहे हो? यार 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 बिलो, तुझसे बात करके हमारे बारे में भी कुछ बात करेंगे। अरे कोई बात नहीं, पहले हमको अंदर डालो ना, हम बात करते हैं। क्या समझे हो इसको तुम लोग? तुम्हारी मौसी का घर है, तुम्हारी मौसी का घर। नो, होल्ड होल्ड। अरे थाना है, थाना बेशरम लोग, क्रिमिनल लोग आता है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के लिए ना क्राइम करना पड़ता है। हो गया, चलो निकल। आज के बाद थाना में घुसे ना टांग काट देंगे तुम लोग का। चीता चतुर्वेदी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमने तुमसे हॉस्पिटल का फुटेज निकालने को कहा था, क्या हुआ? सब कुछ लाया ना मैडम, सारा फुटेज लाया। ओके गुड। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल से बच्चा गया कहाँ। मेडिकल स्टाफ को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, नर्सेस को नहीं पता, यहाँ तक कि निशा ने भी किसी को बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। और इतना छोटा बच्चा जिसकी माँ के अलावा कोई देखभाल नहीं कर सकता, हॉस्पिटल से गया कैसे? एक बात नोट की आपने मैडम सर, जिस माँ से इतना छोटा बच्चा अलग हो जाए उस माँ के विलाप से तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। मगर निशा जी पूरे हियरिंग के दौरान कोर्ट में इतनी सामान्य थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है मैडम सर। ऐसा भी हो सकता है ना मैडम सर कि बच्चा खोने के सदमे में चली गई हो वो। संतोष, पहले हमें भी यही लगा, लेकिन कोर्ट में भी निशा के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका बच्चा खो गया है। सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करो, एक एक चीज छान मारो, कौन हॉस्पिटल में आया, कौन हॉस्पिटल से गया, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट, सब कुछ हमें क्लैरिटी से दिखना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यस मैडम सर। वापस जाए? नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलेंगे, अम्मी जाग जाएंगी। अरे हाँ, माताजी जाग जाएंगी। अगर माताजी ने आपको यहाँ देख लिया तो पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेंगी। एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? हमारा कॉफी पीने का अचानक से बहुत मन कर रहा था, और आपने इतनी बार कहा है कि आप इतनी अच्छी कॉफी बनाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके हुनर को एक मौका दिया जाए। धन्यवाद मौका देने के लिए। आइए। नहीं नहीं, माता जी। आइए हसीना जी, आइए। यहाँ? वैसे आमतौर पर हम कॉफी किचन में ही बनाते हैं, आप कहाँ बनाती हैं? किचन में ही। आप हमें डायरेक्टली किचन में क्यों लाए?
देखिए कॉफी आप बनाने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि आधी रात के बाद जब दो लोग साथ में कॉफी बनाते हैं तो फिर कॉफी बहुत लाजवाब बनती है। और वैसे भी यहाँ हम सुरक्षित हैं, माताजी यहाँ नहीं आने वाली। अच्छा हसीना जी, कृपया करके फ्रिज वहां पर है, हमें जरा दूध दीजिएगा। दूध इसी में है ना? दूध मिल गया, रख दीजिए इधर, इसमें 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 डाल दीजिए। क्या कर रहे हैं? क्या हसीना? अरे आप वहां क्या कर रहे हो? आपको भी देख लेंगी। आ रही है क्या? जो बड़े बड़े केसेस एक चुटकी में सुलझा देती है, वो कॉकरोच से डर गए? वाकई में डर गए या हमारे पास आने का बहाना था? माफ कीजिए, हमें जाना होगा। ड्यूटी फर्स्ट, हेडक्वार्टर से वैसे जाया है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें? हाँ हाँ प्लीज। घर पर कोई नहीं है, माँ रिश्तेदार के यहाँ पूजा में गई है। सही कहा आपने, ड्यूटी फर्स्ट। इसी के कारण तो जुड़े हैं इस रिश्ते से हसीना मलिक, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो हमें महिपाल तक पहुंचा सकता है और हजारों लाखों लोगों की जान बचा सकता है। हम चलते हैं, बाय। आइए। हाँ चले। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी। पुष्पा जी आप सुबह सुबह इतनी चुप चुप हैं, अपसेट लग रही हैं, क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ पुष्पा जी? हम दादी बन गए। अरे ये कौन सा फास्ट टेक्नोलॉजी निकल गया पुष्पा जी? नहीं कल तक तो करिश्मा मैडम एकदम फिट एंड फाइन होकर घूम रही थी, अभी अचानक से। हमें समझ नहीं आ रहा कैसे दादी कैसे बन गई आप? करिश्मा जी ने एक बच्ची को गोद ले लिया और बोल रही कि खुली हो गई हसरत आपकी दादी बनने की, अब दोबारा आपको माँ बनने के लिए मत कहिएगा। हमारे तो भागे फूट गए मैडम सर, हमारे तो भागे फूट। बैठे बैठे। अरे बाप रे बाप। आराम से आराम। माना कि वो बच्ची बहुत सुंदर है, बहुत नाजुक है, साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है, मगर हमारे लल्ला से तो नहीं है ना, अब क्या करेंगे हम? पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो हमारे लल्ला को करिश्मा जी भा गई। पुष्पा जी लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा अचानक से करिश्मा जी ने बच्चा कैसे गोद ले लिया, आज तक तो कभी उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। हमको भी नहीं पता था। देखिए आइए भाई साहब, यहाँ रख दीजिए आप। धन्यवाद आपका, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। हमें कभी आपने कभी बताया नहीं कि आप बच्चा गोद लेने के बारे में सोच रही हैं। हमको भी नहीं बताया। एक सेकंड, हम आपको चुप कराएं या इसको चुप कराएं अभी? हाँ तुम समझदार हो ना, तुम चुप रहो। हाँ मैडम सर, हमने गलत क्या किया इसमें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छा किया कि आपने बच्चा गोद लिया है, आप उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती हैं, लेकिन अचानक से ये सब अचानक ही होता है मैडम सर। सोच समझ के तो सिर्फ FD होता है। वो कहा है ना कि हमारा दूर की कजन है ना,
उसको 5 बच्चे थे पहले से। तो उन्होंने हमको बोला कि इसका पालन पोषण वो ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी हमारे घर पर आ रही है, हमारा घर धन्य करने। और पुष्पा जी तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि उनको दादी बनना है, दादी बनना है, तो उनका ये अरमान भी पूरा हो जाएगा, हमने सोचा। क्यों पुष्पा जी ऐसे? अरे एक तो धीरे बोलिए, ऊपर से मुंह का लटकाई है आप, पूरा दिन हमारा कान खाती है, दादी बनाओ दादी बनाओ। तो देखिए कितना सुंदर बच्ची हमारे घर पर आया, हमारा घर धन्य करने। हाँ रिटायरमेंट ले लीजिए और संभालिए। कोई रिटायरमेंट नहीं लेंगे हम, अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, बचा ही क्या है पुष्पा जी? बहुत कुछ बचा है पुलिस की नौकरी में। जिंदगी में एक बार ही सही एक केस लीड करना है हमें, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करना है और साबित करना है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने यह वर्दी सिर्फ पहनी नहीं बल्कि उसका हक भी अदा किया। इस सबसे पहले नो रिटायरमेंट। हमको पता था ये इनकलाब फटेगा आपके अंदर से, जो फट चुका है, इसलिए हम फैसला कर आए कि ये बच्ची हमारे घर नहीं रहेंगी पुष्पा जी, ये बच्ची यहाँ थाने में हम सबके साथ रहेगी। ये थाना होगा इस बच्ची का असली घर। और वैसे भी पुष्पा जी, हाँ ये बच्ची घर पे रहे या यहाँ रहे, इस बच्ची को संभालना आपको ही है। अब मैडम वो हम कब से बच्ची बच्ची बुला रहे हैं, इतनी प्यारी बच्ची एक प्यारा सा नाम दे देते। ये काम ना मैडम सर से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है। मैडम सर आप दीजिए ना इस बच्ची को एक प्यारा सा नाम। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हम कैसे, सबसे सीनियर पुष्पा जी, पुष्पा जी रखेंगे इसका नाम। मैडम सर मैडम सर मैडम सर आप रखिए ना, कहाँ ही मौका पुष्पा जी को दे रही है, 5G के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट वाला फील दे देंगी, ये बच्ची ना बचपन में ही बूढ़ी हो जाएगी, प्लीज आप रख दीजिए। सब सुनाई दे रहा है हमें, सॉरी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम ही रखते हैं ना, लाइए। वाकई बहुत ही खूबसूरत बच्ची है, इसके चेहरे पर एक नूर है, फरिश्तों की रोशनी है। रोशनी, रोशनी नाम रखेंगे इसका। रोशनी, हाँ बहुत अच्छा नाम है रोशनी। तो बस आज से इसका नाम हुआ रोशनी। रोशनी आपने सही कहा करिश्मा सिंह, हम सब इसे मिलकर इस थाने में पालेंगे क्योंकि हम सब इसकी माँ हैं। मैडम सर आपने सीसीटीवी फुटेज मांगा था ना हॉस्पिटल का, ये रहा, इसमें से मैंने रोजमर्रा वाले जो रूटीन फुटेज है वो एडिट कर दिए और एंट्री और एग्जिट का पार्ट रखा है। ओके ये रहा। एक मिनट पॉज करो इसे। ये करिश्मा सिंह है ना? वही लग रही है मैडम सर। ये यहाँ क्या कर रही है? इसका डेट और टाइम फुटेज का मैडम सर, ये तो कल का ही है। 11:35 मतलब हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। अब एग्जिट का फुटेज दिखाओ। बस बस हॉस्पिटल से निकली नहीं बाहर, हमारे पहुंचने से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच गई और एग्जिट पॉइंट पर कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, ऐसे कैसे और क्यों? कितनी सुंदर हो, तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो, तुम जब बड़ी हो जाओगी ना तो तुमको बड़ी ऑफिसर बनाएंगे हम, ठीक है? एक बात नोट की अपने मैडम से, जिस माँ से इतना छोटा बच्चा अलग हो जाए उस माँ के विलाप से तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, मगर निशा जी पूरे हियरिंग के दौरान इतनी सामान्य थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है मैडम सर। संतोष जी नन्ना सा बच्चा को देख के हमारा बार बार ऐसे दिल करता है ना कि तू भी बच्चा गोद ले ले। नहीं
नहीं संतोष जी, हमारा मन करता है ना कि हम शादी कर ले, फिर हमारी भी ऐसी होगी ना, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कोमल सी नाजुक सी ऐसे परी जैसी बच्ची। हाँ, तो किसने रोका है करना शादी? रोका नहीं है संतोष जी, लेकिन बढ़ने भी तो नहीं दे रहा है ना, मतलब बढ़ने दे तो बात आगे पहुँचे, बात आगे पहुँचे तो बात शादी तक पहुँचे, बात शादी तक पहुँचे तो कुल्लू मनाली तक पहुँचे, कुल्लू मनाली तक पहुँचे तो खुशखबरी तक पहुँचे, और खुशखबरी तक पहुँचे तो मजा आ जाए, है कि नहीं संतोष जी? तो कर ले शादी, बोलिए। हाँ जी, टेंशन मतलब मैं तेरे लिए तेरे हिसाब की अच्छी लड़की ढूंढूंगी। संतू जी, संतू, हमको लगता है ना कि बचपन में ना आप चाय के साथ साथ सांप सीढ़ी के खेल वाला गिट्टी भी खा गई थी ना, इतना मेहनत करके चीता चतुर्वेदी 99 पे पहुंचता और आप 10 के फिर वापस 1 पे भेज देते, ऐसे कैसे चलेगा संतू जी? हाउ 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 हूं रखा चाय यहां पे जीती। महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? हाँ हाँ, महिला कांस्टेबल ही बोल रहे हैं हम। तो आवाज नवाजुद्दीन जी, अमर तुम हमें नरक में जाओ, तुम तो कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में, रख 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 रख। और जोर से बोल लीजिए ना। देखिए बताइए, देखिए हेड कांस्टेबल पुष्पा जी, आपको पता है हम पिछले 3 घंटे से रोशनी को सुलाने का कोशिश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कितना मुश्किल से सोई थी, लेकिन कोई ना कोई खटपट, कोई ना कोई आवाज लगातार चल रहा है यहाँ पर थाने। अब सुनिए, बैठिए डेस्क पर और घंटी बजने से पहले आपको फोन उठाना है, आप समझ गए आप हमारी बात को? अरे घंटी बजेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा फोन आया है? बस उतनी ही घंटी बजना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि फोन आ रहा है और आपको उठा लेना, समझ गए? कैसे कैसे और धीरे बोलिए। नहीं नहीं, मतलब हमको समझाइए ना, कितनी रिंग बजनी चाहिए तो पता चले कि फोन भी आ गया और बच्चे की नींद भी ना टूटे। सुनिए, ट्रिंग का ना ट्री भी नहीं होना चाहिए, ट्रिंग का टी होते ही आपको फोन उठा लेना, समझ गई? चेता रहे हैं हम आपको। हाँ, तो फिर उसके लिए हमें ऐसे एक हाथ हमेशा फोन पे रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ऐसे एक हाथ फोन पे रख के बैठिए या फोन पे बैठ जाइए, हमको उससे मतलब नहीं है। ड्यूटी की वजह से रोशनी की देखभाल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और रोशनी की वजह से ड्यूटी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, समझ गए सब? यस। हाँ जी मैडम। सो गई है। जय मैडम सब। जय करिश्मा सिंह, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज केबिन में आइए। जी जी। करिश्मा सिंह, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम आपसे चाहते हैं, निशा अमृत के केस से रिलेटेड। कुछ पूछना है आपसे। हाँ पूछे ना, पूछे मैडम सर। निशा अमृत को हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाना था, इतना इंपॉर्टेंट काम, इतना इंपॉर्टेंट मिशन, ठीक उसी वक्त आपको कोई जरूरी काम आ गया। हम जान सकते हैं कि ऐसा क्या जरूरी काम था जो आपको इतना इंपॉर्टेंट मिशन छोड़कर जाना पड़ा? हाँ वो अचानक से एक केस आ गया, उसके लिए हमें तुरंत निकलना पड़ गया। आप क्या है, आप मिशन पे जा रही थी ना बाकी सबके साथ, तो हमने सोचा कि हम वो केस संभाल लेते हैं। कौन सा केस? नहीं, हमको लगा कि काफी मतलब बड़ा केस है, पर नहीं, छोटा मोटा केस था तो हमने अपने स्तर पर उसको सुलटा दिया। झूठ बोल रही हैं आप करिश्मा सिंह, कोई केस नहीं था, आप सिटी हॉस्पिटल गई थी। और झूठ मत बोलिए क्योंकि हमने वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था और वहां आप दिखी थी हमें अपनी आंखों से हॉस्पिटल में एंटर होती हुई। अब बताइए कि आप वहां क्यों गई थी और ये बात आपने हम सबसे क्यों छुपाई? निशा का फोन आया था हमारे पास, हमारी मदद मांग रही थी वो, हमें कह रही थी कि वो नहीं चाहती है कि रोशनी उसके साथ जेल जाए, इसलिए उसने रोशनी हमारे हाथों में थमा दी और हमसे कहा कि किसी ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे उसकी देखभाल बहुत अच्छे से हो सके, तो हम यहाँ ले आए उसको, यहाँ से अच्छी देखभाल और उसकी कहाँ हो सकती है। लेकिन आप ही क्यों,
ये जिम्मेदारी वो किसी रिश्तेदार को या किसी जानने वाले को भी दे सकती थी। वो एक मुजरिम की बेटी है मैडम सर, आतंकवादी संगठन से मिले होने का आरोप है उसकी माँ पर। कौन रिश्तेदार आप हमको बताओ संभालेगा ऐसी बेटी को? तो वो बच्ची आपने अपने पास रख ली। और कहाँ रखवाते मैडम सर आप बताइए, हमको कहाँ ले जाते हैं हम उसको? जहाँ पे भी वो जाती उसकी पहचान उसके साथ जाती जो उसके खिलाफ है, इसलिए हमको यही सबसे अच्छी जगह लगी। अब हमने ले ली जिम्मेदारी रोशनी की। करिश्मा सिंह आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, कायदा कानून ये सब आप बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या आप नहीं जानती कि आपने जो कुछ भी किया वो कितना गैर कानूनी है? आपको इस केस की पूरी रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, बच्ची को अपने पास रखने की ऑफिशियल परमिशन लेनी चाहिए थी। फिर परमिशन आते आते खारिज होते होते ये बच्ची अपनी माँ के साथ जेल पहुँच जाती। जेल में पल बढ़कर बड़ी होती क्या सीखती? बिना किसी जुर्म के एक निर्दोष बच्ची मुजरिम कहलाती। नहीं मतलब हम समझ नहीं पाते हैं मैडम सर आपको। कभी कभी जब हमें आपके ये जज्बातों वाले हथकंडे अच्छे नहीं लगते हैं आपको, तब भी हमसे दिक्कत है। आज जब हम जज्बाती होकर कुछ करना चाह रहे हैं आपको, तब भी हमसे दिक्कत है। नहीं मतलब आपको किस चीज से ज्यादा दिक्कत है, हम जो करते हैं उससे या फिर हमसे? हेलो। अरे भाई हम बोल रहे हैं। जी कौन? हमको नहीं ना पहचाना, हम हैं आपके सेवक बुलबुल पांडे। अरे भाई हम वो जिद्दी दाग है जो एक बार गलती से लग जाए ना तो फिर छुटाए नहीं छुटता, और आपने हमें ही बुला दिया। खैर कोई बात नहीं, फिर आगे आपकी स्टोरी में कमाल का ट्विस्ट लेके। आप साफ साफ बताएंगे आपने फोन क्यों किया है? अरे वो क्या नाम है? कृष्णा दुबे, भूल गए सरकार? अरे तोहरा नाम नहीं, वो आतंक, अरे हाँ निशामृत। अरे वो बच्ची जो हॉस्पिटल से चोरी हो गई थी उसका केस डिपार्टमेंट ने हम ही को तो सौंपा है। अरे हम ही तो पता लगा रहे चोर का। तो अरे हम आपको इतना बड़ा धड़ाकेदार न्यूज दिया है और आपने इतना छोटा सा रिएक्शन दिया बस? तो खैर हम आपको कॉल इसलिए किए थे कि वो बच्चा चोर के बारे में कोनो लीड हो तो हमको दीजिएगा, क्या है कि बच्चा चोर पकड़ने में हमको हेल्प हो जाएगा। जी नहीं, हमारे पास इस केस से रिलेटेड कोई लीड नहीं, अगर हमें कुछ पता चला तो आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू। काट दिया, लीजिए सीधा मुंह पे भेज जाती। अरे डूब मर सार तहने कोनो गंदा नाली में जाके, कोनो ट्रेन के नीचे आके कट जा धरती के एक्स्ट्रा बोझ। ऐसा हमको कहते अगर हम आपकी जगह होते तो? होते तो? क्या हुआ मैडम सर, कोई दिक्कत? ये बुलबुल पांडे का फोन था, डिपार्टमेंट ने निशा अमृत का केस उसे हैंडओवर किया है। कहा? जी वो हमसे लीड मांग रहा था। करिश्मा सिंह आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो कितना शातिर ऑफिसर, लीड को सूंघता हुआ केस की जड़ तक पहुंच जाता है। ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर कुछ दिनों में वो रोशनी को यहाँ पर लेने आ जाए आपके अरेस्ट वारंट के साथ, और तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे करिश्मा सिंह। अब भी वक्त है, निशा के पास उसकी बच्ची को लौटा दीजिए, फिर हम कानूनी तौर पर रोशनी को। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैडम सर रोशनी से मिलवाना भोलेनाथ का फैसला था, और रोशनी को अपने पास रखना ये हमारा फैसला है। भले ही भोलेनाथ अपना फैसला बदले लेकिन हम अपना ये फैसला नहीं बदलेंगे। रोशनी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम उसका देखभाल करेंगे जब तक उसकी माँ जेल से बाहर नहीं आ जाती। जिसको जो उखाड़ना होना वो उखाड़ ले, लेकिन रोशनी हमारे साथ हमारे पास रहेगी बस। जय हिंद। करिश्मा से अगर बुलबुल पांडे को ये बच्ची करिश्मा सिंह के पास मिली तो बच्चे के चोरी के केस में बहुत जल्द मुसीबत में फंस सकती है वो। रोशनी हमारे साथ रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम उसका देखभाल करेंगे जब तक उसकी माँ जेल से बाहर नहीं आ जाती। जिसको जो उखाड़ना होना वो उखाड़ ले, लेकिन रोशनी हमारे साथ हमारे पास रहेगी बस। पुष्पा जी अदरक वाली स्पेशल चाय। कहां से आ गया? पुष्पा जी को बता देगा कि मैंने ही इसे कुटा है तो मेरी भी कुटाई हो जाएगी। भिखारी लगता है कोई। क्या चाहिए तुमको?
चाय पीनी है? चूड़ियां चाहिए तुमको? आय हाय, प्लास्टर के अंदर लड़की तो नहीं हो ना तुम? एक काम करो, ये पैसे रखो और कुछ खा लो। अरे पुष्पा जी, आप रहने दीजिए, मैं इसे देखता हूँ। अरे बेटा गलत जगह आ गए, तुम गलत जगह आ गए बेटा, तुम गलत जगह आ गए। क्या हुआ पुष्पा जी? हाँ, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ नहीं, वो पता नहीं एक अजीब भिखारी आया था, वो उसने थोड़ा परेशान करके रख दिया हमें। चीते अंदर क्या चल रहा है? क्या चलेगा पुष्पा जी, वो जो छुटकी रोशनी है ना, 2 घंटा से रोए जा रही है। हाँ? हाँ, उसको चुप कराने के चक्कर में ना हाथी, घोड़ा, भालू, बंदर, लंगूर, चीता तो हम है ही हैं, शेर, सब कुछ बनकर दिखा दिया, फिर भी नहीं चुप हो रही है। सब लोग लगा हुआ है उसको चुप कराने के लिए। ओ चीता, क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है? अरे मैडम वैसे ही परेशान है ऑलरेडी। अरे करिश्मा मैडम ने दूसरे का बच्चा अपने गोद ले लिया और मैडम परेशान हो गई। इनके दादी बनने का और इनके लल्ला का बाप बनने का सपना चकनाचूर हो गया, समझा क्या? अगर इनकी पोती होती ना तो ये चुप कराती। क्यों पुष्पा जी, कोई शक? नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं है। सबसे सुंदर बच्चा कौन है? रोशनी है। नहीं नहीं नहीं, क्यों रो रही है? छुपी नहीं हो रही, कितनी देर हो गई। नहीं 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 नहीं, नहीं रोते। डॉक्टर भी किसी काम का नहीं है, ये दवाई खिला दो, ये ड्रॉप डाल दो, ये चूरन चटवा दो, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखो ना, 3 घंटे हो गए अभी तक चुप नहीं हुई है। नहीं रोशनी, नहीं रोते। नहीं 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 नहीं, नहीं रोते। बड़े आए बच्चा पालने वाले, खुद का बचपना तो गया नहीं है और बच्चा पालेंगे। बच्चा ऐसे पलता है क्या? बच्चा पलता है तजुर्बे से, अनुभव से, और इस मामले में हमारा तजुर्बा हसीना मैडम से ज्यादा और अनुभव हमारे DSP अनुभव से कहीं ज्यादा है। जीवन का अनुभव, ऐसे ही नहीं कहते कोई, घर में बच्चों के लिए दादी या नानी का होना बहुत जरूरी है। वैसे नानी का तो पता नहीं, मगर रोशनी की दादी तो है हम। नहीं, हमें दीजिए, हम देखते हैं क्या हुआ है उसे। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, दीजिए हमें। दे रहे हैं। पहले पहले ये नीचे दादी संभालिए। रोशनी क्या हुआ बाबू को? दादी आ गई है ना, सब संभाल लेगी। संतु ये यहाँ पे लगा उसका गद्दा, एक काम ढंग से आता नहीं है, बच्चे संभालने। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे जगह बनाओ। क्या हुआ? अरे इसे तो दर्द है। क्या गैस हो गई होगी ना, पर डॉक्टर ने जो दवाई दी थी वो हमने पिलाई थी। नहीं नहीं, अगर गैस हुई होती तो अब तक तो उसको आराम आ जाता। इसका डायपर बदले हुए कितना वक्त हो गया? हद करते हो तुम लोग, ऐसे पालेंगे बच्चा? ये देखो, ये है रोशनी की समस्या, बेचारी दर्द में तड़प रही है, बहुत देर तक डायपर ना बदलने की वजह से देखो लाल चकते आ गए उसको। अभी हमारा मुंह क्या ताक रहे हो सब लोग? हमारे बैग में वो पाउडर और कॉटन है, दे दो जल्दी से। ला दो जल्दी दो चीते। पता है ये सब हमने हमारे लल्ला के बच्चों के लिए संभाल के रखा था, मतलब हर एक चीज अपने हाथों से जमा के रखी है हमने। ये लो ये। सिर्फ माँ कहलाने से कोई माँ नहीं बन जाता, माँ बनने के लिए माँ बनना भी पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा अगर आँख मल दे तो? तो उसके आँख में दर्द हो रहा है। नहीं उसे नींद आ रही। कान नोचे तो? कान में खुजली। नहीं उसे सर्दी लग रही। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? और अगर रुक रुक के रोए तो? तो शायद कंफ्यूज है कि रोऊं कि नहीं रोऊं। उसे भूख लगी है। हाँ, और अगर लगातार रोए तो? हाँ इसका मतलब तो हमको पता है कि मतलब उसका डायपर बदलना है। नहीं पेट में दर्द हो रहा है। हाँ वैसे डायपर का भी कारण हो सकता है, और अगर जोर लगाए तो उसे पॉटी आने वाली है। लगा रही है क्या? रोशनी जोर लगा रही है। अरे हाँ? मतलब इसे पॉटी आने वाली है। पॉटी पॉटी दो दो ना, उसमें से दो ना, वन वाइपर दो पॉटी। अरे ये उसको जल्दी दो, आराम से आराम से आराम से। हाँ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट रोशनी। Thank you.
इधर आ जा। अब इसे लोरी गा के सुनाइए। माँ बनना है ना इसकी, तो गाइए लोरी। हाँ गाइए मैडम, गाइए ना। नहीं हम कैसे गाएंगे, हमको आनी भी तो चाहिए ना लोरी वोरी, हमको नहीं आता है। कोशिश करके तो देखिए ना। अरे ममता में बहुत ताकत होती है, आपको भी लता मंगेशकर बना देंगी। गाली तो बहुत सुने हैं मैडम, अब लोरी भी गाकर सुना ही दीजिए प्लीज। सुना दीजिए। करिश्मा जी, हम सोच रहे हैं कि अब हम रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। नहीं मतलब हम और रोशनी घर में आराम से रहेंगे, ऐश करेंगे। अब रोशनी यहाँ थाने में नहीं रहेगी, हमारे साथ घर पे रहेगी। कहाँ बात कर रही है पुष्पा? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे मत बोलिए आप। रोशनी यहीं पर रहेगी, हमारे साथ रहेगी। रोशनी हमारी भी बच्ची तो है, ऐसे मत बोलिए। पुष्पा जी मैं तो छोटी बहन जैसी नहीं जाने दूंगी कहीं भी। संतोष जी, सॉरी संतोष जी, टीवी ऑन करिए। अरे यार तुम्हारे घर पे का टीवी नहीं है क्या यार? यहाँ पर थाना में चले आए तो टीवी देख रहे हैं। और संतोष जी कहाँ टीवी ऑन करेगी? करिश्मा मैडम भी कर सकती नहीं। हम कर सकते हैं टीवी ऑन। मैडम देख रही ना, चंडालों का महाराज आ गया, कोई ना कोई मनहूस खबर लेकर आया होगा ही। हाँ बिल्कुल, तेरे चेहरे की तरह मनहूस। निशा अमृत जिस पर आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े होने का आरोप था, आज उस प्रकरण पर लगभग पूर्ण विराम लग गया। कोर्ट ने निशा को उम्र कैद की सजा सुनाई है और पुलिस उनकी नवजात बच्ची को ढूंढने की कोशिश में जुटी हुई है। जैन सर। जय हिंद। सो बुलबुल पांडे इज बैक। भाई हमें उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। अरे पिछली बार जो हुआ उसके बाद मैं काफी सुधर गया हूँ, काफी बदल गया हूँ, लेकिन अब सर अभी भी वही हूँ पहले वाला जाहिल। हम होते तो ऐसा ही लोग हमारे बारे में बोलते कि वही पहले वाला जहिलवा साथ आया है। बाकी आपके बारे में तो सब कोई जानता है। तो कितना होशियार बा, चालू बा। जय हिंद बुलबुल सर जी, कैसे हैं आप, कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? जय हिंद करिश्मा मैडम, जय हिंद। अरे वाह बहुत ही प्यारी बच्ची है, किसकी है? हमारी। अच्छा तो आप भी चलिए, क्या है कि हम इस बच्ची को ले जाने आए, तो लगे हाथों चोर भी गिरफ्तार हो जाएगा तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह, ये बच्ची जाती है हमारी कस्टडी में और आपको गिरफ्तार किया जाता है इस बच्ची को चुराने के इल्जाम। देखिए। हाँ पुष्पा जी मुझे पता है कि आप यही पूछेंगे कि क्या सबूत है, तो सबूत ये है हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज और पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें करिश्मा जी बच्चे के साथ में बाहर जाते हुए नजर आ रही है। हम तो देख चुके, जिससे ये निर्विवाद रूप से साबित होता है कि बच्चे की चोर करिश्मा मैडम है। अरे भाई अरेस्ट करिए, वहां पे बच्चे की मां बेचारी तड़प रही है जेल में। हमारे होते हुए हमारी रोशनी को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हाथ भी लगाया ना इस बच्ची को बुलबुल पांडे सर, तो तोड़ के रख देंगे तुमको, समझ गए? ए सर, हमरा दिल कहा था कि तू यहाँ से अब खिसकला, काहे कि आज तहरा के राशि ठीक नहीं खे बा, ढेरे मार कुटाई के योग बा। अब बाकी तो तू खुदे होशियार बा।
मैडम पुलिस हैं आप, और पुलिस के काम में रुकावट डालने का अंजाम तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे एक दो दफा और लग जाएगी। लाइए बच्चा दे दीजिए। रुकिए, ये लीजिए पढ़िए इसे। उम्मीद करते हैं कि इसे पढ़ने के बाद कुछ और डिस्कशन की जरूरत नहीं होगी। ये निशा अमृत का कंसेंट लेटर है, इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो अपनी मर्जी से अपना बच्चा SI करिश्मा सिंह को दे रही है। डील। फिर कहते पुलिस बिना बात के टाइम और पेट्रोल बर्बाद करते हैं। अरे जब कंसेंट लेटर देना ही था तो हमें कहां भेज दिया यहां पेट्रोल बर्बाद करने। करिश्मा मैडम ड्यूटी इज ड्यूटी, चल। नहीं नहीं सर, थोड़ा बैठिए ना, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, थोड़ा गांव मोहल्ला का बात कीजिए, थोड़ा और बेइज्जती करा लीजिए, फिर निकलते हैं ना। मतलब सर, हम होते तो ऐसा ही लोग हमारे बारे में कहते, हम होते तो। लेकिन हम है ना, तुम नहीं हो। चलो मैडम। सर आज आपका टाइमिंग गजब था। हम अच्छे से जानते थे कि जब बच्ची को लौटाने की बात आएगी आप तो मानेंगी नहीं, इसलिए हमने उसका एक तोड़ निकाला, निशा से कंसेंट लेटर ले लिया, ऐसे ही किसी दिन शायद काम आने के लिए। करिश्मा सिंह, आपने निशा अमृत की केस फाइल ठीक से पढ़ी? हमने पढ़ी, और हमें लगता है कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। पूरा का पूरा केस सिर्फ गवाहों के स्टेटमेंट पर खड़ा है। अब उसमें से कितने गवाह सच बोल रहे हैं, कितने झूठ बोल रहे हैं, ये तो तफ्तीश का मुद्दा है ना। पर्सनली हमें लगता है कि निशा अमृत बेगुनाह है। आप तफ्तीश कीजिए। जी मैडम साहब। पुष्पा जी, आप रोशनी का ध्यान रखिए, हम ये जो गवाह हैं ना, इनका हाल चाल पूछ कर आते हैं। नहीं 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 रोशनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, हम तुमसे वादा करते कि तुम्हारी मम्मी है ना, तुम वापस बहुत जल्दी वापस आएगी। और ये तो पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। होना नहीं, ठीक है पुष्पा जी चलते हैं। सुनिए, आज हम गर्व से कह सकते हैं, अब जब भी हमारे लल्ला के लल्ला की अम्मा बनेगी, दुनिया में सबसे अच्छी बनेगी। रहने दीजिए ना, जब भी ऐसा इमोशनल होती है ना तो आपका ये गोलगप्पे वाला चेहरा ना फूक जाता है। चीते, जैन मैडम सर। सॉरी, ये लीजिए, जल्दी खा लीजिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह इंतजार नहीं कर सकता। तो प्रिय, ऐसा है कि हमारा ये जो प्रेम संबंध है, ये कोई किशोर अवस्था का आकर्षण तो है नहीं, कम इसी तरह प्रतिदिन मिलते रहे, टाइम पास करते रहे, क्योंकि आपकी भी विवाह की आयु हो गई है और हम भी विवाह की सीमा रेखा पर ही खड़े हैं। अगर आप कहती हैं तो हमारे विचार में हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर सही है तो फिर मिलाइए अपने मुंह बोले चाचा श्री महिपाल सिंह जी से, उनका आशीर्वाद लेते हैं और तुरंत विवाह कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी कहते तब भी हम हमें चाचा जी से मिलवाने ही वाले थे। कल हम उन्हें आपके बारे में बताएंगे, एक बार चाचा जी से बात हो गई तो फिर वो कहेंगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप मिल लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, फिर निकाह का क्या, कभी भी कर लेंगे। क्या बात है हसीना जी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज आप कुछ अच्छे मूड में नहीं हैं, कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। हाँ वो हम एक केस को लेके थोड़े से परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे सुलझाए। अरे वो तो आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे, उम्मीद तो यही है। ठीक है फिर अब हम जाएं, प्लीज बहुत काम है। बिल्कुल, हमें बताइएगा आपके चाचा से कब मिलना है।
जी बिल्कुल, शुक्रिया। धन्यवाद। मैडम सर, चुप। मैडम, जिसने गवाही दी थी ना निशा के खिलाफ, वो पकड़ा गया है। भाई साहब सो रहे थे, हम उनको उठा कर लाए हैं। अच्छे से संजय नाम है उनका। मैडम मैंने जो देखा वही बोला। मैडम मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर। मैडम तुम बेकसूर हो, चुप रहो बिल्कुल, समझे तुम। मैडम सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर और उड़ी उड़ी धप्पा खेलेंगे ना इसके साथ, सब सच उगल देगा हमारे सामने। रोशनी को हम उसकी माँ से मिलवा कर रहेंगे मैडम सर। ठीक है, देखो इस बच्ची को देखो, बस कुछ ही दिन की बच्ची है ये, अपनी माँ से अलग हो गई है, वो भी तुम्हारी झूठी गवाही की वजह से। एक दूध पीती बच्ची को अपनी माँ से अलग करने का जो पाप तुमने किया है ना, उसके लिए तो भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे माता जी, मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। वो लड़की देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिली हुई है। ए बाबू, ए तुमको कैसे पता कि वो लड़की आतंकवादी लोग से मिली हुई है? हाँ? उसकी बातों से। मैं एक टैटू आर्टिस्ट, वो मेरे पास टैटू बनवाने आई थी, तभी मैंने उसे किसी से फोन पे ये सब कहते हुए सुना। क्या कहा था? यही कि उसने पुलिस को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली है, और वो किसी भी तरह रिस्ट्रिक्टेड एरिया की फोटोज और वीडियो निकाल लेगी। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, तभी मैंने पुलिस को फोन करके ये सब बता दिया। अब आप ही बताइए, मैंने ये सब बता के क्या गलत किया, क्या झूठी गवाही दी? आप ही बताइए माता जी। ये क्या बार बार माता जी लगा रखा है? हम तो तुम्हारी छोटी बहन की उम्र के हैं भाई। नहीं 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 पुष्पा जी, इनकी छोटी बहन तो थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 5 दिन पहले जो बेबी नहीं आया, इसकी छोटी बहन की तरह लगती है। जुड़वा। अरे ये सब छोड़िए, हम मुझे ये बताइए आपकी मैडम मुझे उठा के क्यों लाई है, मेरा जुर्म क्या है? हमारी मैडम उठाती पहले और जुर्म बाद में सोचती है। ओह माय गॉड, संतोष जी बाप रे। नहीं, हमको ऐसा लगता था ना कि डायलॉग लिखना और बोलना बड़ा कलाकारी का काम है, ऐसे राइटर लोग बड़ा मुश्किल से सोच पाता है फिर लिखता है, लेकिन हाँ कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, आप चलते फिरते डायलॉग बोल दे रही है संतोष जी। हाँ हो गया है? नहीं हो गया, और करनी है बकैती। चलो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम, अरे सुनिए तो मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद, बोलो। अरे मैडम क्यों लाई आप हमें थाने यहाँ, कोई झूठी गवाही नहीं दिए, वही बोला है जो मैंने देखा और सुना है। तो जो भी देखा और सुना ना, एक सांस में बको, दोबारा बको क्या देखा और क्या सुना, फिर हम तय करेंगे कि तुम्हारा जो कहानी तुम हमको बताओगे इसके चित्रकारी में कितना झूठा रंग भरा है, समझ गए? बको आप। मैडम मैं अपने मामा जी की बेटे की शादी अटेंड करके भवानीपुर से लखनऊ वापिस आ रहा था, जिस ट्रेन में मैं बैठा था उसी ट्रेन में ये लड़की निशा अमृत भी सफर कर रही थी, ये किसी से फोन पर बात कर रही थी, मैंने साफ सुना था। जो भी साफ साफ सुना है ना, हमें साफ साफ बताओ बिना मिर्च मसाला लगाया। अभी क्या भी ये किसी से कह रही थी कि आने वाली 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इतना बड़ा धमाका जो आज तक ना कभी किसी ने देखा है ना कभी किसी ने सुना है, और ये खुद उसकी तैयारी के लिए निकल चुकी है। और क्या सुनना था मैडम, मैंने इसकी खबर फौरन पुलिस को दे दी थी। क्या गलत किया मैडम मैंने कानून की मदद करके? आप ही लोग तो कहते हैं ना कि एक जिम्मेदार नागरिक बनो। मैडम ये वही दूसरा गवाह है ना जिसने निशा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। झूठी गवाही दी है, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों की दोनों, झूठे हैं झूठे। तुमको मालूम है यहाँ पे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? नहीं मालूम ना, हम तुमको बताते कि हम सच कैसे उगलवाते हैं। चीते डंडा लाओ। अरे बाबू रुक जाओ चीता चतुर्वेदी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह ये दोनों सच कह रहे हैं, इनका स्टेटमेंट सही है। नहीं नहीं मतलब निशा झूठ बोल रही है, वो अपराधी है, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं हमारे कहने का वो मतलब नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इन दोनों ने जो कहा वो सच है, उतना सच जितना इन्होंने देखा और सुना, और इस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक तरफा केस बना दिया निशा के खिलाफ और उसे खड़ा कर दिया अदालत के सामने। ये सारी गलती उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है। कौन है ये महान इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, क्या लगता है आपको कौन होगा? स्कीम मैया की सासू मैया, ये बुलबुल पांडे ना? जी हाँ बुलबुल पांडे, ये सब कुछ उसी का किया करा है, उसने ना तो ठीक से छानबीन की और ना ही सच तक पहुंचने की कोशिश की, एक आधा अधूरा एक तरफा केस बना दिया और उसका नतीजा ये है कि आज एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया।
कि बुलबुल पांडे को ना हम नहीं छोड़ेंगे। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करके ना इसने बहुत बड़ा गलती किया है। रुकिए ना सर, रुक जाइए ना सर, रुक जाइए आप। अरे छोड़िए हमें, जाने दीजिए। नहीं नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। रुकिए रुकिए, निर्लज्ज बेगैरत बेशरम, अरे कोई शर्म वरम है कि नहीं, निकल बाहर। रे बाप रे बाप, अपने को बोल रहे हैं सर, हम आपकी जगह होते तो खुद को यही बोलते। बताइए, दो घंटा से बिठा के रखा है और दोनों मैडम खुद गायब। अरे इतना बेइज्जती। अरे हम मानते हैं कि आप फालतू है, बकवास है, धरती का एक्स्ट्रा बोझ है, पर इतना चिल्लू भर पानी में डूब मरे के चाहिए हमको सर? हमको चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? अब इतना बेइज्जती के बाद सर, जाइए सर, चलिए बाहर निकल। दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएगा? पैंट उतरी नहीं है, उतर जाएगी। आपकी नहीं सर, हमारी। हम होते तो इसीलिए कह रहे हैं, चलिए बाहर निकल। नहीं सर, हम आपको नहीं जाने देंगे सर, सर हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए, दूर रहिए सब। आपको यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखने देंगे। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। हाँ ठीक नहीं किया आपने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, ये जो अनजाने में हमारा इंसल्ट किया ना आप, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा आपको। छोड़ेंगे नहीं आपको। सर हम कैसे भी करके आपका कीमत तो चुका देंगे, लेकिन अगर आप गलती से भी यहाँ से चले गए ना, तो करिश्मा मैडम जो हम लोगों से वसूलेंगी ना, उसका कीमत हमारे शरीर से लेके डॉक्टर के बिल तक को चुकाना पड़ेगा। यस, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, समझे? अरे शांत शांत, क्या हुआ? आप इस तरह से नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? अरे मैडम सर, आप ही ने कहा था ना, जब तक आप ना आए इनको कहीं जाने मत देना। हाँ? तो हम इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो बुलबुल सर बुरा मान गए। रोकने की कोशिश? अरे मैडम जी, पूरा का पूरा उतार दिए। मतलब हम बता रहे हैं आपके साथ जो जुल्म हुआ है, वो भी महिला थाने में। मैडम अब बताइए, बीच बाजार में बीच चौराहे पे उतरता तो कुछ बात भी था। हम अपने बारे में बोल रहे हैं सर, हम होते तो। देखिए हम इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, दरअसल हमें जरूरी काम से हेडक्वार्टर जाना पड़ा, इसलिए देर हो गई। आइए केबिन में बैठकर बात करें। तशरीफ रखिए मिस्टर बुलबुल पांडे। ये रही निशा अमृत की वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आपने कोर्ट में सबमिट की थी। हाँ, तो क्या पढ़ना अनपढ़ जाहिल गवार। सर ऐसा ये लोग कहते हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो इसमें आधा सच है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होती, इन्वेस्टिगेशन के दूसरे एंगल्स पर भी ध्यान दिया होता, तो इस रिपोर्ट में पूरा सच लिखा होता। अच्छा, तो क्या है सच? सच ये है कि निशा अमृत निर्दोष है। कौन कहता ये? यही सच है मिस्टर बुलबुल पांडे। जी नहीं मैडम, सच इस रिपोर्ट में है जो मैंने तैयार की है, जो कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बड़ी जिम्मेदारी से तैयार की है। इसमें साफ साफ साबित किया गया है कि ये लड़की निशा अमृत एक गुनाहगार है, एक देशद्रोही है, और उसके कनेक्शंस आतंकवादी संगठन से है। तजुर्बा कहता है हमारा कि आधा सच और आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होती है, लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, जैसे आपने कर दिया उस निशा के लिए। एक निर्दोष लड़की को आपने आतंकवादी बना दिया। मैडम समस्या इस रिपोर्ट में नहीं है, आपकी नजर में है, आपकी आंखों में है, जिस पर जज्बात का चश्मा चढ़ा हुआ है। अब हर अपराधी को आप इस जज्बात के चश्मे से देखेंगे तो उसमें आपको गुनाहगार नजर आएगा ही नहीं। और ये लड़की निशा अमृत बहुत ही शातिर अपराधी है, और इस बात पे हमें बिल्कुल संदेह नहीं है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने खुद की है। आपका यकीन किस बुनियाद पर है? सच जो अब सबके सामने है। इंटेलिजेंस से हमें खबर मिली थी कि एक आतंकवादी संगठन 26 जनवरी को एक बड़ा सा अटैक प्लान करता है, और उस आतंकवादी संगठन की कोई एक मेंबर जो कि 27-28 साल की लड़की है, वो हमारे शहर में रेकी के लिए आने वाली थी। बस क्या था, सारी पुलिस फोर्स अलर्ट थी। हमें पता चला कि भवानीपुर से लखनऊ आने वाली ट्रेन में वो लड़की सफर कर रही है, और अपने ग्रुप वालों से बात कर रही थी, उनसे कह रही थी कि वो लोग कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं कि उससे पूरा देश हिल जाएगा। स्टेशन पर उतरते ही हमने उसे फॉलो किया तो पता चला कि लड़की तो सारी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाकर वीडियोस और फोटोज ले रही है।
और इसी बीच हमें एक टैटू आर्टिस्ट का फोन आता है, उसने भी हमें यही कहा कि ये लड़की निशा अमृत प्रतिबंधित क्षेत्र में फोन से रेकी करने वाली है। जब उसे गिरफ्तार किया था तब उसके पास जो सामान मिला, जो कैमरा मिला, जो डॉक्यूमेंट मिले, वो भी उन जगहों से संबंधित थे। मानिए मेरी बात मैडम, यही सच है कि निशा अमृत एक आतंकवादी है। मिस्टर बुलबुल पांडे, सच एक पहाड़ की तरह होता है जो अलग अलग एंगल से अलग अलग नजर आता है, जबकि पहाड़ का सच तो ये है कि वो बस एक पहाड़ है। ये देखिए। हेलो दोस्तों, बहुत जल्द हम आने वाले हैं इस चैनल पे लेके आपके लिए कुछ ऐसी प्रतिबंधित जगहों की खास वीडियोस जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, और ये सब आपको दिखाएगा मेरा कैमरा। 26 जैन को होगा आपका इंतजार खत्म। टिल देन वेट, और मैं वापस आऊंगी एक धमाका के साथ। निशा अमृत एक इन्फ्लुएंसर है जो इंटरनेट पर अपना नया वीडियो चैनल शुरू करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके चैनल का लॉन्च धमाकेदार हो, और उसके लिए उसने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, सारे फुटेज लिए, सारे फोटोज लिए, और इसी के जोश में वो ये सब कर बैठी। उसे क्या पता था कि आप उसे आतंकवादी साबित कर देंगे। निशा अमृत निर्दोष है। ऐसा आपको लगता है मैडम? ये लड़की निशा अमृत मुजरिम है, ये बात मैं साबित कर चुका हूँ पुख्ता सबूतों के साथ। ये बुलबुल पांडे में लाख बुराई क्यों ना, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से निभाई है। चल झूठे, ऐसा ये लोग कहते हमारे बारे में सर, अगर हम आपकी जगह ये बात बोले होते तो। हाँ देखिए मैडम, मैंने अपनी रिपोर्ट में जो लिख दिया वही सच है, निशा अमृत एक आतंकवादी है। बाकी जिसे जो ख्याली पुलाव पकाना पकाए, मुझे क्या लेना देना। हाँ तो निकल। ऐसा ये लोग हमको कहते अगर हम आपकी जगह होते तो। हम होते तो अब क्या मैडम साहब? अब करिश्मा सिंह, हमें इस बुलबुल पांडे को समझाना होगा कि अधूरा सच कितना खतरनाक होता है, तब वो समझ पाएगा कि निशा अमृत निर्दोष क्यों है। पर ये कैसे होगा मैडम साहब? बुलबुल जी, देखिए हमें जो कहना था हमने अंदर कह दिया, अब हम इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते, प्लीज। नहीं, हम निशा अमृत के केस के बारे में बात नहीं करना चाहते, हम किसी और केस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं जो आप ही के थाना क्षेत्र में आता है, तो सोचा आपसे बेहतर कौन होगा। कैसा केस, कौन सा केस? देखिए बाकी सब तो हमें नहीं पता, लेकिन इस केस को सॉल्व करने के बाद आपको मेडल जरूर मिल सकता है, और हो सकता है कि लगे हाथ हमारा भी प्रमोशन हो जाए। तरक्की किसे बुरी लगती है? ये हुई ना बात। अरे भाई वो अंग्रेजी में कहावत है ना, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। लालची कहीं का। सर हम अपने बारे में कह रहे हैं, अगर हम आपकी जगह ये कहे होते ना तो हमको सब लालची समझता। कैसा केस? ओके देखिए केस ये साला, कंटिन्यू। ओके हमें हमारी इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि एक बहुत ही नामचीन क्रिमिनल है जो लखनऊ में ऑलरेडी आ चुका है, और एक दो दिन में आपके इलाके में आने वाला है किसी से मिलने के। कौन है वो क्रिमिनल और कहाँ आने वाला है? बहुत ज्यादा तो हमें नहीं पता अभी, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पुष्पा जी के सोर्सेस से आ रही है। पुष्पा जी? क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो जैसे जैसे पुष्पा जी को पता चलेगा वैसे वैसे वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? ठीक है। फ्रेंड्स? कैसे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भाई, पुलिस दोस्त नहीं हो सकते? नहीं, ये नहीं, हमारे सलून में ऑफर चल रहा है और उसका फादर उठा है, ये कैसे हो सकता है? ओ! आज शाम 5 बजे तक हेयर कटिंग के साथ फुल बॉडी मसाज फ्री जी। अरे भैया देखो, सब फ्री है। अरे और क्या चाहिए, इतना बड़ा तो मुफ्तखोर आपको ढूंढने में नहीं मिलेगा। अरे मुफ्तखोर तो ऐसे है कि जिंदा केकड़ा भी मिले ना तो कच्चा चबा जाते हैं, और ये तो फ्री मसाज है। आप नहीं सर, हम अपने बारे में बोल रहे हैं, हम हैं तो हम जिंदा केकड़ा भी चबा सकते हैं फ्री में मिले तो। हसीना जी, आपके फोन का इंतजार रहेगा। हमारे नहीं, पुष्पा जी के। हाँ पुष्पा जी के। जी जी
चलिए चलिए, ऑफर है, ऑफर ऑफर, चलिए आपको केकड़े खिलाते हैं, चलिए। अरे बाबू कुछ हड्डियाँ बाकी है, रुको। अरे कुछ हड्डियाँ तो छोड़ दो जालिम। आई हो माई, बचाओ। अरे दादा फ्री की मसाज ऐसी होती है। जय हिंद सर। कौन बोल रहा है? जी हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं। आप बोलिए 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 बोलिए। हाय, हमने भी कहा आपसे सर। खैर, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें हमारी खबरियों से टिप मिली है। वो जो इनामी बदमाश है ना, वो आपके थाना क्षेत्र में पहुंच भी गया है और गोमती नगर इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे वो जो बंद मार्केट है ना, वहाँ पे छुप के बैठा है। क्या बात कर रही है? हाय, कितनी बार तो कहा है हमने हाय, और कितनी बार कहेंगे। खैर, मैडम सर ने कहा है कि आप ठीक 5 बजे जो हमने आपको जगह बताई है ना, वहाँ पे पहुँच जाएगा, और वो भी अकेले। मैडम सर भी वहाँ 5 बजे पहुँच जाएंगे। और हाँ, सीक्रेट मिशन है ना, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कौन सी खबर नहीं होगी? अरे बोला ना, कानो कान खबर नहीं होगी तो तुम्हें कैसे बताऊं? अरे हमको तो बता दीजिए, हम तो आपके साले हैं। हट। हाँ कह दीजिए उन्हें, हम 5 बजे पंप हाउस पहुंच जाएंगे। क्या हाय हाय लगा रखी है सर आपने? आपने ये तो पूछा ही नहीं कि वो इनामी बदमाश कौन है जिसे आप और हसीना मैडम पकड़ने जा रहे हैं। कौन है वो? पी सिंह। पी सिंह? कौन है ये पी सिंह? क्या आप पी सिंह को नहीं जानते? मगर वो तो आपको अच्छे से जानता है। हमने सुना है कि वो किसी को कह रहा था। बुलबुल पांडे से तो हमारी बहुत पुरानी और निजी दुश्मनी है। बस एक बार बुलबुल पांडे हमारे हाथ लग जाए फिर देखना, उसको ऐसे मार मार के पटकेंगे, पटक पटक के मारेंगे, पहले धोएंगे फिर सुखाएंगे फिर मारेंगे, उसका तो पैंट उतार के रखेंगे हम। ये सब लोग मेरे पैंट के पीछे क्यों पड़े हुए? क्या? अरे गोली दाग देंगे हमारे पैंट को हाथ लगाने वाले पे। देख लेते हैं कौन है ये पी सिंह। जैन सर। अरे थोड़ा फास्ट चलिए ना। अरे फास्ट की सगली, पेट्रोल क्यों नहीं भरा? बहुत थकावट सा लग रहा है। तुझे थकावट सी हो गई? ए सर, बैठे बैठे भी तो थकावट होती है ना आदमी को। ये दिन में इतना सन्नाटा क्यों है? काहे कि यहाँ के सारे फैक्ट्री बंद हो गए और यहाँ के लोग अपना घर दुकान बेचकर निकल लिए। अब यहाँ पे खूंखार चोर अपराधियों के अड्डा बा। ठीक है, डरता हूँ क्या मैं? कहाँ? अरे उस पी सिंह को पकड़ने। अरे हसीना मैडम को तो आ जाने दीजिए, दोनों साथ मिल के ही तो बदमाश को पकड़ेंगे। अरे पहल, उस हसीना मैडम के साथ में पकड़ना होता तो समय से पहले क्यों आते हम लोग यहाँ पे? उनके साथ नहीं पकड़ना है, उस पी सिंह को हम अकेले मार गिराएंगे तो सारे मेडल, सारे यश, सारी तरक्की हमें अकेले मिलेंगे। इतना अच्छा मौका मैं किसी के साथ क्यों बांटूं? तरक्की मेहनत से नहीं, टैलेंट से आती है। फायर फायर कीजिए। अरे वो अपराधी आपके सामने आके गोली नहीं खाएगा, आपको जाकर उसको मारना होगा। जाइए और गोली चलाइए, देश के नाम पर अपना जान लुटा दीजिए, जाइए। जा रहा हूं। अरे खिसक कह रहे, स्पीड में जाइए ना। जा। ढेर कर दिया मैंने उस पी सिंह को, ढेर। आइए आइए हसीना मैडम। बुलबुल पांडे यार, क्या आप इतनी जल्दी आ गए?
अरे हसीना मैडम, मैं जल्दी नहीं, आप देर से आई हैं। मैडम जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही मेडल मेडल पे लिखा है पाने वाले का नाम। वो पी सिंह को मैंने अकेले ढेर कर दिया वहां पे। अब सारे मेडल, सारी तरह की, सारा प्रमोशन अकेले मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, जब प्रमोशन की बात आएगी तब देख लेंगे। चलिए चलकर बॉडी कस्टडी में लेते हैं। हाँ, उस तरफ चले। हेलो करिश्मा मैडम जी। नमस्ते। पुष्पा जी, सासू बहू, ये कैसे हो गया? सासू बहू, ये क्या किया बुलबुल पांडे? अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे सासू बहू, सर ये आपने क्या किया? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, कहीं सी गोली चलाई थी आपने। अरे मैंने गोली चलाई, पुष्पा जी पे थोड़ी ना चलाई थी, मुझे क्या पता। सासू बहू जी थोड़ा कम करिए, उसको पता चल जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं, भांडा फूट जाएगा। थोड़ा कम पुष्पा जी, थोड़ा और कम। थोड़ा मैडम से गोली लगी है, खटमल ने थोड़ी काटा है, थोड़ा तो अभी नहीं करने दो। थोड़ा कम करो ना यार, क्या कर रहे हो आप? पुष्पा जी ठीक है। बुलबुल पांडे तुमने क्या किया? पुष्पा सिंह को तुमने गोली मार दी, ये मर चुकी है। नहीं हम मरे नहीं है, थोड़ी जिंदा है अभी। का ये कहा? बहु 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 ये लो। हमारे बात, हमारी लल्ला का ख्याल रखना। सासू माँ को कुछ नहीं होगा, जा रही हूँ। कुछ नहीं होगा आपको पुष्पा जी, आराम से आराम से। हाँ बस बस बस, कहीं सुने कहीं सुने। हाँ 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 हाँ, माफ 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 किया। नहीं हमने माफ किया, जाओ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये पुष्पा सिंह यहाँ कर क्या रही थी? अरे वो भी अपराधी को पकड़ने ना आई होंगी, आपकी तरह थोड़े ना। पुष्पा जी बस हो गया, कितना ओवर एक्टिंग करती है, इनके मरने को ओवर एक्टिंग से कोई मर जाए हम बता रहे हैं। अरे ये तड़प रही है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं, लगता ठीक से मरी नहीं। पुष्पा जी, अब इन्हें अस्पताल ले जाने का क्या फायदा, ये मर चुकी है, ये मर चुकी है, पूरी तरह मर चुकी है। बुलबुल पांडे तुमने पुष्पा सिंह का खून किया है। करिश्मा सिंह गिरफ्तार कर लीजिए इस हत्यारे को। जी मैडम ये सच है, मैंने अपने कानों से बुलबुल पांडे जी को पुष्पा जी को धमकी देते हुए सुना है। अरे क्या क्या सुना है तुमने? कब धमकी दी मैंने? क्या धमकी दी मैंने उन्हें? ये कह रहे थे कि इनका अपमान करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक नहीं किया आपने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, ये जो अनजाने में हमारा इंसल्ट किया ना, आप बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अरे वो मैंने ऐसे कह दिया था। और ये भी बोले थे कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इनकी इंसल्ट की। ऐसा बोला तुमने? अरे गुस्से में थे हम, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, निकल गया हमारे मुंह से। उनके वजह से हमारी पैंट उतरी थी भाई। पैंट? पैंट के बारे में भी कुछ कहा था ना, क्या कहा था बताइए। बाहर सैलून पे मालिश करते टाइम ये किसी से कह रहे थे फोन पर कि किसी पीसिंग को ये छोड़ेंगे नहीं, गोली से उड़ा देंगे। हमारी प्यारी पुष्पा जी। और उड़ा डाला ना हमारी प्यारी सासू माँ को, गोली से उड़ा डाला, ले लिए तुमने उनके प्राण। अरे जो हुआ भाई, मिस्टेक हुआ, हम जानबूझ के नहीं किए हूँ। अरे वो गोली हम कहीं और चला रहे थे और गलती से लग गई पुष्पा जी को, इट वॉज एन एक्सीडेंट। ऐसा आपको लगता है बुलबुल पांडे, लेकिन सारे गवाहों के स्टेटमेंट सुनकर तो यही लगता है कि एक सोचा समझा हुआ मर्डर प्लान, जान ले ली तुमने पुष्पा जी की। हमारी प्यारी पुष्पा जी। पुष्पा जी ने गलती से तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तुमसे वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई और तुमने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें गोली मार दी। हमारी प्यारी पुष्पा जी। झूठ है ये सब, झूठ है। यही सच है, सारे सबूत सारे गवाह है हमारे पास। जिस गन से तुमने हमारी हमारी सासू माँ को गोली मारी है ना, उस पे तुम्हारे निशान भी है, हत्या का उद्देश्य सब है। और ये इतना काफी है ना मैडम सर, इसको जेल की हवा खिलाने के लिए क्यों बुलबुल पांडे? आधा आधा सच है ये सब। तो पूरे सच में दिलचस्पी किसी है बुलबुल पांडे? जितना सच हमारे सामने है उतना काफी है तुम्हें सजा दिलवाने के लिए। नहीं 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 हसीना जी, देखिए ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अरे भाई घर परिवार वाला इंसान हूँ, अभी हाल ही में पिता बनाऊ, मुझे मेरी बच्ची से अलग मत कीजिए प्लीज प्लीज।
अच्छा, अभी कुछ महीने पहले जो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें उससे अलग ना किया जाए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो ये बच्ची पैदा हुई है, तुमने उसे उसकी माँ से अलग कर दिया, उसका क्या? उस वक्त भी तो यही हालात थे, यही सिचुएशन थी, यही गवाह थे और यही आधा अधूरा सच था। लेकिन तब तो तुमने इस आधे अधूरे सच के बलबूते पे एक निर्दोष माँ को आतंकवादी बना दिया और उसकी बच्ची से अलग कर दिया। बुलबुल पांडे, ऊपर कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है। हम जो करते हैं उसका अकाउंट हमें इसी धरती पर क्लियर करना होता है। तो तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तुमने आधे अधूरे सच के बलबूते पर एक माँ को अपनी बच्ची से अलग कर दिया था, तो आज एक आधे अधूरे सच के बलबूते पर तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग किया जा रहा है। हिसाब बराबर? हसीना जी, देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए हैं कि हमसे मिस्टेक हुआ है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। एक अधूरे सच को पूरा सच मान के हमने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया। हमसे गलती हो गया, हमें और तफ्तीश करनी चाहिए थी और डिटेल में जांच पड़ताल करनी चाहिए थी निशा अमृत के बारे में। अगर कुछ चमत्कार हो, हम यहाँ से निकले, हम वादा करते हैं कि इस बार निशा अमृत का पूरा सच कोर्ट के सामने लाएंगे और उसे बाइज्जत बरी करवाएंगे और एक माँ को अपनी बेटी से मिलवाएंगे। शायद इसी से हमारे पाप का प्रायश्चित हो। आइए। ये जिंदा है? जी, हम जिंदा हैं। हमारी प्यारी पुष्पा जी। चलिए आइए, बाहर आ जाइए। आइए सर जी। तो मिस्टर बुलबुल पांडे, दरअसल ये सब एक छोटा सा नाटक था। पूरे सच की अहमियत आपको समझाने के लिए हमें एक आधे अधूरे सच की रियलिटी क्रिएट करनी पड़ी। अब अगर आपको पूरे सच का वैल्यू समझ में आ गया है ना, तो तुरंत ये सच कोर्ट के सामने लाइए और एक माँ को उसके अपने बच्चे से मिलवाने का नेक काम कीजिए। आप ये केस को रीओपन कीजिए। ऐसे होगा, निशा अमृत रिया होगी और बहुत जल्द होगी। और आप लोगों का शुक्रिया, एक बार फिर आप लोगों ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बार बार नहीं दिखाएंगे हम सही रास्ता, अगली बार से सही रास्ता खुद ही ढूंढ लीजिएगा। ये बुलबुल जी। कितनी प्यारी है रोशनी। पुष्पा जी, कब तक आएगी निशा? बस आती होगी। हसीना मैम, पुष्पा जी, जा रही हो तुम? हाय रोशनी। थैंक यू, शब्द बहुत छोटा है। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है वो नहीं नहीं हम सब ने कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है ना, उन्होंने किया है। जब वो भी अवतार लेते हैं तो उनको माँ की जरूरत पड़ती है, तो फिर कैसे देख लेते वो एक माँ को अपने बच्चे से दूर। और निशा, जोश में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली बार कुछ भी शूट करने से पहले परमिशन ले लेना। जी, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अब आपको थैंक यू बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये तो कर ही सकती हूँ।
शुक्रिया। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। वो सच कहे तो हम बहुत खुश हैं कि रोशनी अपनी माँ के पास वापस आ गई है, पर बहुत दुख होगा रोशनी यहाँ से चली जाएगी तो। उसके आने से ना हमारा थाना एकदम ऐसे रोशन रोशन हो गया था। हाँ तो ऐसे ही हमारा घर भी तो रोशन रोशन कीजिए ना, बना दीजिए ना हमें भी दादी। आप नहीं छोड़ती है ना कोई मौका पुष्पा जी। आप समझती क्यों नहीं है फिर? हम लोग रोशनी को यहाँ पर रख तो सकते नहीं है, उसको अपने माँ के पास जाना ही पड़ेगा आखिर में। मगर हाँ, जब भी हमें रोशनी की याद आएगी तुम उसे हमसे मिलाने जरूर लाओगी, क्योंकि अब तो हम इसकी दादी है और ये हमारी पोती। पुष्पा जी हम भी लाइन में हैं। दादी बनने के? नहीं भाई, प्यार करने के लाइन में। आओ आओ। आई रोशनी, इसे बहुत सारा प्यार देना। ज्यादा तंग मत करना। हम तो कहते हैं बहुत तंग करो। नहीं बिल्कुल नहीं। रुक। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। सॉरी तुम्हारा फोन आया था तो हम एक मीटिंग में बिजी थे इसीलिए तुम्हारा फोन ले नहीं पाया। कहो कैसे फोन किया था, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ चाचा जी सब कुछ ठीक है। दरअसल आपको याद है हमने एक लड़के के बारे में आपसे जिक्र किया था कुछ दिन पहले, हम उस लड़के से आपको मिलवाना चाहते हैं। भाई मिलना तो हम भी चाहते हैं, ठीक है बुधवार 16 तारीख ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा जी। ठीक है नमस्ते जी। तुम मेरी गिरफ्त में बहुत जल्द होंगे महिपाल सिंह। जय हिंद। जय हिंद। हम डीएसपी सर से मिलने आए। मैडम सर डीएसपी साहब राउंड पे गए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम यही इंतजार कर लेंगे। मैडम सर आपके लिए चाय लाऊं? नहीं चाय नहीं, हमें दरअसल ना मोबाइल का चार्जर चाहिए, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। वो डीएसपी साहब डोर में रखते हैं, अब मैं देता हूँ। नहीं नहीं हम ले लेंगे, शुक्रिया आप जा सकते हैं। जी मैम। वो आप सेलफोन नहीं रखते हैं ना, तो हमने सोचा सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा। हमने तो डीएसपी सर को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया था, ये फोन किसका है? हेलो। जय हिंद मैडम सर। अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम हम डीएसपी सर के ऑफिस में। हाँ देखिए हम भी आपसे कौन सा सवाल पूछ रहे हैं भुलक्कड़ की तरह कि आप कहाँ हैं। अब तो आप वही पाए जाएंगी ना। वो क्या है हम तो जानते थे कि आप वही होंगी, मगर करिश्मा मैडम है ना वो मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए हमने उनके साथ लगाई शर्त। अब देखिए आपने हमको शर्त जितवा दी, मतलब हम शर्त जीत गए। चलिए फोन रखते हैं, आप एंजॉय कीजिए। जी ठीक है फोन रखते हैं। हेलो। जय हिंद मैडम सर। अभी आप कहाँ हैं मैडम सर? हम डीएसपी सर के ऑफिस में। अनुभव सर हमारा फोन टैप कर रहे हैं, क्यों?
चाचा जी सब कुछ ठीक है। दरअसल आपको याद है हमने एक लड़के के बारे में आपसे जिक्र किया था कुछ दिन पहले, हम उस लड़के से आपको मिलवाना चाहते हैं। मिलना तो हम भी चाहते हैं। ठीक है, बुधवार 16 तारीख ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अनुभव सर पहले से ही जानते थे कि हम उन्हें महिपाल चाचा जी से मिलवाने वाले? नमस्ते दत्ता जी, कहिए कैसे हैं आप? दरअसल हुआ ये कि हमें आज अचानक एक जरूरी काम निकल आया और हम जल्दी जल्दी में घर से निकल गए। बाद में ध्यान आया वो हमें तो तुमसे पार्सल लेना था, तो अगर आज तुम फ्री हो तो तुम क्या हमारे पास आके दे पाओगी? अरे कैसी बात करें आप, बस हम यूं निकले और यूं पहुंचे। हमने आपका नंबर प्लेट अपने मिरर में पहले ही देख लिया था। आप यहाँ कैसे सर? आप तो किसी मीटिंग में जाने वाले थे। हाँ हम वहीं जा रहे थे लेकिन माता जी का फोन आ गया था इसलिए गाड़ी साइड में रोक कर उनसे बात कर रहे थे। अनुभव सर हमारा फोन टैप कर क्यों रहे? ये चल क्या रहा है? इसके पीछे के मकसद के बारे में पता लगाना ही होगा। सबसे पहले हम पुष्पा जी का कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। अब इस फोन को अपने फोन से क्लोन कर देते हैं जिससे इस पे आए सारे कॉल्स हम सुन सकें। अरे कब चाय देना हमारे ऑफिस में? अरे हसीना जी आप यहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। हमने सोचा कि आपको सरप्राइज दे दें। एक मिनट हमें अनुमान लगाने दीजिए। आपके चाचा जी हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए राइट? बिल्कुल सही। आपको कैसे पता चला कि हम यही सरप्राइज देने वाले? अरे हसीना जी आपकी सारी बातों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो और किसे होगा? हम अति प्रसन्न हैं कि हम आपके चाचा जी से मिलने वाले हैं। वो तो दिख रहा है। उनसे मिलकर उनकी अनुमति के पश्चात आप और हम हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे, है ना जी? ठीक है फिर हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। ओ माय गॉड संतू जी, ओ माय गॉड। मतलब संतू जी आपको नहीं से हंसते खेलते खुश रहते हुए देखते हैं हम, लेकिन अभी आप इसे उदास काहे बैठी है? अच्छा नहीं लग रहा हमको संतू जी। ओ माय, क्योंकि गुब्बारा फुलाना लेकिन मेरा मुंह फूल जा रहा, गुब्बारा नहीं फूल रहा है। काश काश कि हम फुग्गा होते संतू जी, आप हमको एक बार इसे फुलाने मात्र का कोशिश करती ना पक्क से फूल जाते हम। मत देखिए संतू जी ऐसे, मत देखिए हमको प्लीज ऐसे। अगर आप हमको देखते रहिएगा ना हम कुछ देखने के लायक नहीं बचेंगे, फिर हम दोनों को देखकर दूसरा लोग बोलेगा कि देख रहे हो ना ये सब। मतलब मत, अरे उफ, आ, कसम ना ना संतू जी, नथिंग नहीं लगा ना वा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मतलब ये कि सब यहाँ सख पका गए हैं अभी, जिसको देखो आशिकी का भूत चढ़ा है यहाँ पे आज। और किसको आशिकी का भूत चढ़ा है? पुष्पा जी, लेकिन नवाब साहब तो है ही नहीं यहाँ पे अभी। संतू नो मैडम, नो नो नो, हम तो बस ये फुग्गा फुलाना सिखा रहे थे संतू जी को मैडम। यस हाँ, वो हजरतगंज में ना ये 2 साल डिप्लोमा लिए है कि कैसे फुगाते हैं। ला फुगाओ फुगाओ, दिखाओ डेमो सबको। हाँ चीती निकल गई हवा। हवा में ही बातें कर सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। इधर दो हम फुलाते हैं, पकड़ो इसे। लीजिए मैडम। बस इंसान तो इंसान, आपने तो गुब्बारे तक को नहीं छोड़ा। कोई एक चीज है जो आपसे सही सलामत बची हो आज तक? तो एक काम कीजिए ना, आप भर लीजिए हवा। वैसे भी महिला पुलिस थाने में इतने सालों से बैठे बैठे आपके अंदर भी हवा ही भर गया है, थोड़ा हवा एक गुब्बारे में भर दीजिए। नहीं हम गुब्बारे में हवा तो भर देंगे,
मगर कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी और की हवा ना निकाल दें। लाओ गुब्बर, देखते हैं किसका हवा निकलता है। पानी, खोई हुई है आज। और कहाँ खोएंगी, आपके भैया के ख्यालों में खोई है। मैडम सर, मैडम सर जी, आपकी तैयारी हो गई? किस चीज की तैयारी? वो पुष्पा जी शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रही हैं। मैडम सर, हम पूछ रहे थे कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको जो भाषण देना था उसकी तैयारी हुई कि नहीं, ऐसा पूछ रहे थे। हम भूल ही गए उसके बारे में। तो हाँ, आजकल सारी चीजें दिमाग से निकल रही है कि ध्यान तो सारा अनु भैया में है। ठीक है, जितना टाइम बचा है उसमें हम कोई स्पीच प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू याद दिलाने के लिए। कमाल का बात नहीं है पुष्पा जी, जिनको हर चीज ध्यान रहती है आज वो इतना जरूरी काम भूल गई। जब प्यार नया नया होता है ना तो अपने महबूब के अलावा और कुछ याद नहीं रहता, समझी? अरे हसीना जी, आपकी सारी बातों के बारे में हमें पता नहीं होगा तो और किसे होगा। हम अति प्रसन्न हैं कि हम आपके चाचा जी से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर उनकी अनुमति के पश्चात आप और हम हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे। स्पीच। ये किसका फोन आ रहा है अनुभव सर को? उठा या नहीं? कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन वो भी तो यही कर रहे थे हमारे साथ, वो भी तो कुछ छुपा रहे हैं हमसे। क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उठा ही लेते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बताइए सर, क्या आ गया है? महिपाल से मिलने कब जा रहे हो? जी बुधवार 16 तारीख को सर। क्यों, सब ठीक है ना? ये हम तुम्हें फोन पे नहीं मिलके बताएंगे, वो भी अभी 30 मिनट में चार बाग वाले तबेले में पहुंचो। जी सर, हम तुरंत पहुंचते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुभव सर किससे मिलने जा रहे हैं? और महिपाल चाचा का जिक्र क्यों हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? राम राम। राम राम भैया, कैसन बा? अरे राम राम भैया, का हाल चाल बानी? ठीक बा। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है सर, आपने हमें इतना शीघ्र मिलने के लिए क्यों बुलाया? हमें तो लगा था कि आप निश्चिंत होंगे ये जानकर कि हम महिपाल सिंह से मिलने जा रहे हैं। अनुभव, 16 तारीख तक बहुत देर हो जाएगी। इंटेलिजेंस की पक्की रिपोर्ट है, ये लोग 10 दिन के अंदर ही यानी कि 10 तारीख से पहले पहले कुछ बड़ा करने वाले हैं। बड़ा बड़ा है, हमारी भैंसिया का दिल बहुत बड़ा है। अरे साहब, 1 लीटर दूध मांगो तो 2 देती है, 2 मांगो तो 4 देती है। अनुभव, कुछ भी करके हमें ये मैटर 10 तारीख से पहले पहले सुलझाना होगा, वरना देश में कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा कि आने वाले कई सालों तक देश उसे उभर नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए सर, हसीना मलिक हम पे आंख बन करके भरोसा करती है,
हम उसे कहेंगे कि हम महिपाल सिंह से 10 तारीख से पहले पहले मिलना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएंगी और जब हम महिपाल सिंह से मिलेंगे तब हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और अगर आवश्यकता होगी तो उसे मृत्यु से भेंट भी हम ही करवाएंगे। गुड, जो करना है सोच समझ के करना। गुड लक। धन्यवाद भैया, चलते हैं। अच्छा भैया, राम राम। आना राम। हसीना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो बस देख रहे हैं। मतलब? वही तो आपसे जानने आए। लेकिन हसीना जी, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम यहाँ हैं? ठीक उसी तरह जिस तरह आपको ये ज्ञात हुआ कि हम कहाँ हैं, किस लड़के से मिलने जा रहे हैं, फोन पर किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। आपने हमारा फोन टैप किया है? नहीं सर, हमारे सीनियर्स जो करते हैं बस हमने उसे फॉलो किया है। चाचा जी के बारे में आप क्या बात कर रहे थे? आपको एक याद नहीं होना चाहिए था हसीना जी। आधा सच तो हम जान ही चुके हैं, पूरा सच भी बताई दीजिए। तो फिर सुने सत्य, आपके परम पूजनीय चाचा जी एक आतंकवादी हैं, गद्दार हैं और देश के दुश्मन हैं। क्या आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? सत्य हमेशा कड़वा होता है हसीना जी। देखिए वो हमारे चाचा जी हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें ज्ञात था कि आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों करें हम आपकी बात पर विश्वास अनुभव सर, वो हमारे चाचा जी हैं, हम बचपन से उन्हें जानते हैं। उन्होंने कभी हमसे झूठ नहीं कहा, कभी हमें धोखा नहीं दिया, लेकिन आप तो शुरुआत से हमसे झूठ कहते आए हैं। देखिए आपने ये सब क्यों किया हम नहीं जानते, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि आप हमारे चाचा जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ। आप तो इस यंत्र से परिचित होंगी, ये पॉलीग्राफी यंत्र है। ये आदमी के कथन में से झूठ और सच तुरंत पकड़ लेता है। जब कोई सत्य कह रहा है तो ये यंत्र हरे बिंदु से चमकता है, और जब कोई असत्य कह रहा है तो ये यंत्र लाल बिंदु से चमकता है। अब आप हमसे जो पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं। ठीक है, तो बताइए कि चाचा जी के बारे में आपने जो कुछ भी कहा क्या वो सच था? शत प्रतिशत सत्य है। महिपाल सिंह एक आतंकवादी है और वो लोग एक बहुत बड़े हमले की योजना में है। कैसा हमला? वो हम आपको नहीं बता सकते, ये गोपनीय है। लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस ने इसकी सत्यता की पुष्टि की है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला महिपाल सिंह के आवास से होने वाला है, जिससे पूरा देश एक बड़ी महामारी की चपेट में आ जाएगा। चलिए मान लिया कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है, लेकिन चाचा जी का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इस बात का कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? इसमें दत्ता की भी भागीदारी है और उसके खिलाफ हमारे पास सबूत भी है। हम दत्ता जी के बारे में नहीं, हम महिपाल चाचा जी के बारे में पूछ रहे हैं।
क्या उनके खिलाफ कोई सबूत है? जी नहीं। कानून की नजर में जब तक किसी के गुनहगार होने का सबूत ना मिल जाए वो निर्दोष होता है। निर्दोष हो या गद्दार ये तो बाद में कानून तय करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें महिपाल सिंह के आवास तक पहुंचना है और आप हमें वहां ले जाएंगे, नहीं तो उनका मिशन सफल हो जाएगा और चारों तरफ बर्बादी होगी। तो आप सिर्फ इसलिए चाचा जी से मिलने को उत्सुक थे? जी हाँ। तो आप हमारे करीब सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए आए थे? जी हाँ। हमारे साथ प्यार, इजहार, शादी, ये सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.